आईफा अवार्ड समारोह में विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान पर चांस लिया। सलमान खान पर तंज कसा, कैसे चुटकी ली है उन्होंने आपको बता दे। वह सालों से सलमान विवेक के बीच बातचीत बंद है। जब से ऐश्वर्या सलमान का ब्रेकअप हुआ और विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश्वर्या के साथ रिलेशन के दौरान सलमान खान के खिलाफ कई बातें कही, तब से ही ये रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ गया है विवेक ओबेरॉय और सलमान के बीच। हाल ही में आईफा अवार्ड समारोह था, जहां पर आपको बता दें शाहरुख खान पर बात करते हुए, शाहरुख खान की तारीफ करते हुए विवेक ने सलमान खान पर चुटकी ली है। अवार्ड रिसीव करते हुए विवेक ने काफ़ी बचपना एक्ट अपना दिखाया। सलमान खान नहीं भूल पाए हैं भले ही विवेक ओबेरॉय ऐश्वर्या के रिश्ते को, तो विवेक ओबेरॉय भी सलमान खान के व्यवहार को नहीं भूले। एक अवार्ड शो में विवेक ओबेरॉय ने सलमान से माफ़ी मांगी थी स्टेज पर, लेकिन कान पकड़े विवेक को देख नज़रअंदाज किया था सलमान ने। सलमान के इस बुरे बर्ताव को नहीं भूल पाए हैं विवेक। इनडायरेक्टली विवेक ओबेरॉय ने तंज कसा है सलमान खान पर। अवार्ड मिला तो उन्होंने शुक्रिया किया और कहा शाहरुख खान की तारीफ में कि दिल के किंग है वो, मैन ऑफ हार्ट्स है वो, शाहरुख खान है वो। जिस तरह अपनी पॉपुलैरिटी और पावर का इस्तेमाल करते हैं वो लोगों को एम्पावर करने में, ये शानदार है उनका। शाहरुख खान काफ़ी ब्लश करते नजर आए, लेकिन विवेक ने नाम नहीं लिया। इनडायरेक्टली उन्होंने सलमान खान पर बात की कि कैसे सलमान ने अपने पावर का इस्तेमाल कर विवेक ओबेरॉय की करियर को तबाह करना चाहा, अपनी पॉपुलैरिटी और पावर से लोगों को आगे करने के बजाय उन्हें पीछे करते रहे सलमान। विवेक ओबेरॉय का यही कहना था। विवेक ने जो स्टेटमेंट दिया, ज़रा वो भी सुनिए। दरअसल विवेक ओबेरॉय ने स्टेटमेंट में कहा, कई लोगों के पास पावर होता है, नाम होता है, लेकिन सबसे खास आप में होती है बात, अगर आप करते हैं अपने पावर का इस्तेमाल लोगों को एम्पावर करने में। ये कहकर विवेक ने सलमान पर तंज कसा। यहाँ पर आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे, विवेक सलमान के अगले फाइट के बारे में तो आपको पता ही है, पब्लिक फाइट है सलमान खान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या और के खिलाफ सलमान खान को लेकर विवेक ओबेरॉय का जो बयान है उस पर हर लोग बात करते हैं। काफ़ी नफरतें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिली है विवेक को सलमान खान पर बोलने के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान के रात भर उन्हें कॉल कर टॉर्चर करने को लेकर विवेक ने खुलेआम जो कहा था, ऐसे में कभी भी विवेक को माफ़ नहीं करेंगे सलमान, ये उन्होंने कसम खा रखी है। तो विवेक ने भी कसम खाई है कि वो सलमान पर इनडायरेक्टली तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। 2000 की घटना जो आपको याद हो, तो ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर विवेक ओबेरॉय के साथ रिलेशन में आकर आगे बढ़ गई थी। वो विवेक के साथ ऐश्वर्या का काफ़ी खूबसूरत रिश्ता रहा कुछ टाइम तक, लेकिन सलमान इससे खुश नहीं थे, जिसके कारण विवेक ओबेरॉय पर सलमान का गुस्सा फूटा था। और यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने कहा था कि कैसे उन्हें तकलीफ हुई। तो विवेक ओबेरॉय ने भी जिस तरह से सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी और ये कहा था कि सलमान ने उन्हें बहुत गालियाँ दी, मुझे धमकियाँ दी, और उसके बाद अपनी लेडी लव के बारे में उन्होंने धमकी दी कि वो उनसे दूर रहें। तो इसी पर विवेक ओबेरॉय का ये जो स्टेटमेंट था, इससे सलमान खान के साथ उनके रिश्ते में दरारों ने जन्म लिया। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अब भले ही सलमान का पूरी तरह से नाता उसी घटना के बाद खत्म हुआ हो, लेकिन ये भी सच है कि विवेक ओबेरॉय को ऐश्वर्या माफ़ कर चुकी है, लेकिन विवेक को सलमान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, ये उन्होंने कसम खा ली है। विवेक ने जनता के बीच जाकर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से झुकाव व्यक्त किया था। वैसे जनता के बीच सलमान से माफ़ी मांगने का उनका तरीका अपने परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर वाकई में किसी का भी दिल जीत लेता, किसी के भी
मन की नफरत को ख़त्म कर देता, लेकिन सलमान खान ने कभी भी नहीं करेंगे वाले स्थिति पर रहे वो, उन्हें ज़रा भी फ़र्क, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट नाइन लाइव सृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दें, विवेक ने जो सलमान खान पर चुटकी लेते हुए ये सब शाहरुख खान को कहा है वो ये था कि अवार्ड शो में पहुंचे थे विवेक ओबेरॉय। उस अवार्ड शो में जहां बॉलीवुड की जमावड़ा देखने को मिली, आईफा 2024 की हम बात कर रहे हैं। वैसे विवेक को यहां पर सलमान खान पर तंज कसने का मौका इसलिए भी मिला था क्योंकि सलमान इस पूरे अवार्ड शो में नहीं पहुंचे थे। इस अवार्ड शो के मौके पर सलमान खान मौजूद नहीं रहेंगे ये बात तय थी, लेकिन इस तरह से नहीं रहेंगे ये तय नहीं था। वैसे आपको बताना चाहेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में एक और बात, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान के बारे में। तो वैसे दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में आपको बता दें, जो विवेक और सलमान के बीच झगड़ा हुआ था पब्लिकली, जो विवेक ने सलमान खान पर यह इल्ज़ाम लगाए थे कि वो गंदी गालियां रात भर मुझे फ़ोन कॉल कर देते रहें, मुझे टॉर्चर करते रहें, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी एक्स अब विवेक ओबेरॉय की ज़िंदगी की लव लाइफ है। वही सलमान के बारे में बोलते हुए विवेक ओबेरॉय ने और भी कई अहम खुलासे किए थे उस वक्त, कैसे रात भर उन्हें टॉर्चर झेलना पड़ा था सलमान खान का, तंग आकर उन्होंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। लेकिन विवेक ने जब इतना कुछ कहा तो ऐश्वर्या ने सलमान खान के पक्ष में एक वर्ड नहीं कहा था। ब्रेकअप के बाद सलमान ऐश्वर्या का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ से गुजरा। ऐश्वर्या किसी भी तरह से सलमान खान का ना तो नाम अपनी ज़ुबान पर लाना चाहती थी और ना ही उनके मन में सलमान खान के पक्ष लेने का कभी विचार आया। इससे ही पता चला कि वाकई में सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता ना सिर्फ बुरे मोड़ पर आके ख़त्म हुआ था, बल्कि इस कदर ख़त्म हुआ था कि किसी भी तरीके से किसी भी हालात में ऐश्वर्या सलमान खान से अब संपर्क रखने को तैयार नहीं थी। वैसे विवेक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद सलमान खान पर आरोप मढ़ने के बाद विवेक को भी नुकसान झेलना पड़ा। विवेक से भी ऐश्वर्या देखते ही देखते फिर अचानक से दूर होती चली गई और उन्होंने फिर अभिषेक बच्चन से 2007 में शादी रचाने का फैसला लिया था। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी से पहले दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और अभिषेक ने फौरन इस घड़ी को स्पेशल बनाने के लिए तुरंत ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज़ किया। ज़्यादा समय ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक दूसरे को शादी से पहले देने का मन नहीं बनाया था। नेक्स्ट नाइन लाइव रितिक रिपोर्ट।